हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। एंड मैं रोशनी एंड तनु हम जा रहे हैं चौड़ा बाज़ार, बिकॉज लास्ट टाइम हमने परचेजिंग की थी मार्केट में, बट हमारा थोड़ा सा सामान रह गया था जो कि मैं परचेज़ नहीं कर पाई थी। वो आज हम परचेजिंग अपनी कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है, हमें बार बार मार्केट के मतलब चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारा रह जाता है। तो हम धीरे धीरे अपनी जो मार्केटिंग है और जो अपना सामान है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि हॉस्पिटल में हमें किसी भी चीज़ की नीड ना हो, भागना ना पड़े। तो जब हम घर से निकलने लगे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला, आप लोग जाओ, मुझे कुछ काम है और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। और हम टोटली कन्फ्यूज हैं कि वो सरप्राइज़ क्या हो गया, क्योंकि अब ज़्यादा एक्साइटमेंट घर वापस होने की हो रही है। ये हो रहा है कि फटाफट से हम जो भी लेने जा रहे हैं, परचेज करें, फटाफट से घर जाए, वो सरप्राइज़ क्या है जो मेरे हस्बैंड ने अरेंज किया है। तो लेट्स सी, पहले हम मार्केटिंग कर लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं, देखते क्या मेरे हस्बैंड ने मंगवाया। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर शूज़ की शॉप पर। मुझे लेने हैं शूज़, तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ पर बैली वगैरह है, यू कैन सी, और जो मुझे पसंद आया उसमें साइज़ नहीं है, दूसरा मुझे पसंद आया उसमें कलर नहीं है। तो देखो भैया मुझे चूज़ करवा पाते हैं या नहीं, बिकॉज मुझे बहुत लेट चीज़ें पसंद आती है, मेरे को पसंद नहीं आता जल्दी से। और ये भैया हमें लास्ट टाइम से जानते हैं, और जब भी हम कोई भी शूज़ वगैरह लेने होते हैं हम यहीं पर आते हैं, हम कहीं और नहीं जाते हैं। तो देखते हैं कि मैंने क्या परचेज़ किया, वो मैं आपको घर पर जाकर ज़रूर दिखाऊंगी। और तो गाइस वीडियो में बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैंने सारी परचेसिंग कंप्लीट कर ली है, मैं आपको थोड़ा सा चौड़ा बाज़ार के बारे में बता देती हूँ। तो गाइस ये कैसी मार्केट है, होलसेल मार्केट है, यहाँ पर आपको इतना सस्ता सामान मिलेगा, चाहे आप शॉप से लो चाहे बाहर से लो, बस बार्गेनिंग करानी आनी चाहिए। और इससे सस्ता सामान कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज लुधियाना जो होलसेल के नाम से ही जाना जाता है, होजरी के नेम से ही, तो यहाँ पर एक ही मार्केट में आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पर आपने अगर बैग लेने हैं, पर्स लेना है, कपड़े लेने हैं और लहंगा लेना है, चूड़ा लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप एक ही मार्केट में आ जाओ। आप चलते जाओगे आपको सारा सामान दिखता जाएगा, और जो भी आपने परचेस करना है एक ही मार्केट में आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आधा सामान यहाँ पर है, आधा सामान आप रिक्शा कर रहे हो, ऑटो कर रहे हो, देन उसके बाद जाके मार्केट आ रही है। तो मुझे एक्साइटमेंट अब घर जाने की हो रही है, मैं सोच रही हूँ फटाफट से हम घर पहुँचे। और फाइनली हमारा जो सरप्राइज़ है, मुझे पता लग गया है कि मेरे हस्बैंड क्या लेके आए हैं। तो मेरे हस्बैंड एक लेके हैं अलमीरा, बिकॉज एक फैमिली मेम्बर बढ़ रहा है, तो उसके कपड़े कहाँ रखने हैं। और वैसे भी यूवी का कोई भी सेटअप नहीं है, हमने अपने अलमीरा में ही सेट किए हुए हैं। तो बेबी की अलमीरा आ चुकी है, और जो भी हमारे घर में बेबी आने वाला है बहुत ही कर्मों वाला है, बहुत ही लकी है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि उसके आने से पहले हमने क्या क्या पाया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। तो फाइनली हमारी अलमीरा आ चुकी है, ये यहाँ पर इनफ नहीं होता है, एक अलमीरा मंगवाई है, एक हमने किचन अलमीरा मंगवाई है, और मंगवाया है ड्रेसिंग टेबल। तो मुझे नहीं पता था, बट मेरे हस्बैंड ने ये सुबह गए थे और चक्कर चुक्कर मारे और ये ले आए हैं। तो इसकी हमें नीड भी थी, बहुत ज़्यादा नीड थी अलमीरा की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड हमें किचन अलमीरा की नीड थी, बिकॉज जितना भी सामान था वो बाहर पड़ा रहता था, और क्या होता था कोई भी गेस्ट आता था तो हमें अपना बेड खोलना पड़ता था, देन वहाँ से सामान निकालना पड़ता था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
तो फाइनली अलमीरा आ चुकी है, और जो भी सामान होगा हम अपने अलमीरा में डालेंगे, और कोई भी गेस्ट आया तो फटाफट से निकाला और उनको सर्व कर दिया। तो हमारी ये नीड भी थी और एक अलमीरा की थी। जो मेरी ड्रेसिंग टेबल आया है वो ऐसा है, मेरे हस्बैंड ऐसे ही उठा ले हैं, मेरे को उसकी नीड नहीं थी और मैंने मना भी किया था कि अभी मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने बीच में मुझे पूछा था, तो मेरे को वो सिर्फ पूछ रहे हैं लेके नहीं आएंगे, तो मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी आपको। तो फाइनली मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी आ गई है। अब मेरी जो मेकअप किट है वो खाली हो जाएगी, जितना भी सामान है मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल में लगाऊंगी अच्छे से, और अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं पैक करूंगी अपने मेकअप किट के अंदर। तो गाइस ये था मेरा सरप्राइज़। तो हमारे घर में तीन चीज़ें आ चुकी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे हस्बैंड जी ने पैसे खर्च किए बट अच्छी जगह पे किए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है अलमीरा बेबी की, वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मिकी माउस वाली अलमीरा है, और ये हमारे, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और ये रोटेट करता है, नीचे बॉक्सेस भी हैं। तो मैं आपको बेबी की अलमीरा ओपन करके दिखाती हूँ, बिकॉज़ ये मुझे ज़्यादा पसंद आई है। और ये प्रिंटेड अलमीरा है, वुडन की अलमीरा है, बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा नाइस है। और मेरे हस्बैंड ने एक जिद पकड़ लिया कि मैं भी इसमें कपड़े लगाऊंगा, क्योंकि लालच बुरी बला है, उनका मन वो हो गया, कहते मैंने पुरानी अलमीरा में नहीं रखना। यहाँ पर शू रैक भी है, और आप देख रहे हो कितने सारे कबर्ड हैं, तो इजीली यहाँ पर 3 पर्सन के कपड़े आ जाएंगे, मेरे हस्बैंड के भी आ जाएंगे, बेबी के भी आ जाएंगे। और जो होने वाला बेबी है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कपड़े पहनता है और कितने कपड़े खरीदता है। अगर तो उसके ज़्यादा हुए तो फिर मेरे हस्बैंड का पत्ता कट होने वाला है। और अब हमें करनी है एडजस्टमेंट, बिकॉज़ इसको सेटअप भी करना है हमने। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर स्पेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो जिस वजह से थोड़ा सा कंजस्टेड होगा। और चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमें करना तो पड़ेगा ही। और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड आए हुए हैं वो अच्छे से बेड वगैरह वो कर रहे हैं और जगह बना रहे हैं, और इसको भी हमने अच्छे से सेटअप करना है। अलमीरा तो हम किचन में ही रखेंगे, पर हमने यहाँ पर साइड पे सेल्फ डलवाई हुई है, वहाँ पर हमने अंकल को बुलाना है और ये सेल्फी निकलवा के कहीं और सेटअप करवाना है। तो ये है हमारी किचन अलमीरा, ये ड्रॉर्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, स्पैचुला वगैरह डाल सकते हो। यहाँ मैं राशन रखूँगी, क्योंकि राशन लेना भी, अगर कुछ ख़त्म होता है मतलब किचन में, तो भागना पड़ता है अलमीरा की तरफ, दूसरी अलमीरा की तरफ। इतना लंबा सफ़र तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, तो जो चीज़ होगी वो अलमीरा के ही अंदर होगी। और अभी हमने थोड़ा बहुत और काम करवाना है, वो हम स्लोली स्लोली धीरे धीरे करवाएंगे। और ये अच्छे से बेड वगैरह सेटअप कर रहे हैं, और जो भी वो होगा लास्ट सेटअप जो होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये लास्ट टाइम हमने पेंट करवाया था तो उसका पेंट छूटा ही नहीं था, और मैंने छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की थी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने बोला जब आप ठीक हो जाओगे तो अच्छे से साफ़ कर लेना, अदरवाइज़ हम न्यू पेंट करवा लेंगे बेड पे। तो अच्छे से सेटअप हो चुका है, मेरा ड्रेसिंग टेबल भी मेरे रूम में आ चुका है, और जो अलमीरा है वो मम्मा के रूम में गई है। किचन अलमीरा जो है वो किचन में ही रहेगी। तो यहाँ पर गुड्डू अंकल आ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन है, और वो जो सेल्फी हमने डलवाई थी साइड पर वो एक कॉर्नर पे कर रहे हैं, ताकि जो हमारी अलमीरा है वो अच्छे से सेटअप हो जाए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।